Hello and welcome, children, to our second part of crop production management. Today we are going to start our lessons with the topic sowing. So, what is sowing? Sowing is the process of scattering seeds or putting seeds in the ground, soils, or growing the crops, plants is called sowing. इसका मतलब ये है कि जो बीज को हम और खेत में डालते हैं तो जमीन में डालते हैं जहाँ से हमारा प्लांट्स प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं सोइंग. और ये क्या होता है, मेथड्स ऑफ सोइंग सीड्स में क्या होता है कि हम उसको हाथ में भी लगाते हैं, सोइंग बाय हैंड. एंड उसको हम सीड ड्रिल्स से, एक मशीन्स होता है, इम्प्लीमेंट्स होता है जिसको हम सीड ड्रिल्स बोलते हैं, उसमें भी हम उसको लगाते हैं. एंड और एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन, इस प्रोसेस से भी हम उसको लगाते हैं. सो जो इस फोटो में हम देख रहे हैं, जो हाथ में और जो फेंका जाता है, दिस इज द सोइंग बाय हैंड्स. एंड हियर बिलो जो नीचे जो फोटो है इसको हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन. अब ट्रांसप्लांटेशन में क्या है, पहले से जो सीड्स का एक नर्सरी बना जाता है, नर्सरी बनाया जाता है. एंड नर्सरी बन जाने के बाद उसमें से वो प्लांट्स को, हेल्दी प्लांट्स को निकाल के उसको फिर से लेके जो असली एक्चुअली जहाँ पर हम प्लांट करते हैं, जहाँ पर जो लगाना है, एक्चुअली लगाना है, उसमें लगाते हैं. तो इसको टू टाइम्स हम इसको लगाते हैं, एक बार पहले नर्सरी बेड में लगाते हैं, बाद में इसको बाई हैंड लगाते हैं. जो नीचे जो फोटो हम देख रहे हैं ये हो गया हमारा ट्रांसप्लांटेशन. ओके, नाउ सो एडिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स. एडिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स क्या है कि मैन्यूर क्या है, मैन्यूर इज ए नेचुरल सब्सटेंसेस दैट इज ऑब्टेन्ड बाई द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट लाइक काउ डंग्स, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट एस्ट्यूज, विच supplies essential elements and humus and makes it more fertile. ये एक ये वो चीज़ है जो कि हमारा एनिमल वेस्ट से बनने वाला चीज़ है, कार्डोम से, एनिमल वेस्ट से, प्लांट वेस्ट से, और ये सब क्या करता है, मिट्टी को ह्यूमस देता है, बनाता है, मोर फर्टाइल कर रहा है. उसके बाद और एक तरह का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स. व्हाट आर द केमिकल फर्टिलाइजर्स? द केमिकल फर्टिलाइजर्स इज एक सॉल्ट और एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग द नेसेसरी प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम टू मेक द सॉइल फर्टाइल. ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं जो है इसको फैक्ट्री में ये बनता है. और इसमें जो फोटो हम देख रहे हैं ऊपर का, दिस इज ए मैन्यूर, इसको हम मैन्यूर और इसको हम हिंदी में खाद बोलते हैं. और ये अच्छा होता है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं होता है, गांव में लोग इसको बनाते हैं खास करके. एंड जो फोटो हम देख रहे हैं नीचे, ये है क्या है, एक केमिकल फर्टिलाइजर से जिसको हम बोलते हैं NPK. द मीनिंग ऑफ NPK इज N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस, K फॉर पोटाशियम. सो ये सब क्या है, मिलके, ये सब मिला के बनाया जाता है केमिकल फर्टिलाइजर्स को. और इसको हम देख रहे हैं फोटो में, देख रहे हैं कि इसको खाद में इसको फर्टिलाइजर्स को छोड़ रहा है, फर्टिलाइजर्स को प्लांट्स को प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द मेन्यू इन फर्टिलाइजर्स अबाउट एडिंग. तो इसमें हम देखेंगे मेन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स की कुछ डिफरेंसेस को देखेंगे. ए मेन्यूर इज ए नेचुरल सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ नेचुरल वेस्ट लाइक काउ डंग्स एंड ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज. बट ए फर्टिलाइजर इज ए सॉल्ट और एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो ये क्या है, नेचुरल प्रोसेस से बनने वाला होता है मेन्यूर्स, लेकिन फर्टिलाइजर्स एक कंपाउंड है, फर्टिलाइजर्स के आदमी उसको बनाता है. ये मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है
फर्टिलाइजर्स को मैन्युफैक्चरिंग आदमी उसको बनाता है, फैक्ट्रीज में बनाता है, लेकिन ये जो क्या है प्रिपेयर्ड बाय फील्ड्स, इन द फील्ड्स इसको फील्ड में बनाया जाता है और ये अच्छा होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है जो मेन्योर। एंड फर्टिलाइजर्स क्या होता है उसमें, फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, इसमें ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड नहीं कर पाता है। ओके, आफ्टर दैट क्रॉप रोटेशन, व्हाट इज क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन किसको बोलते हैं हम, क्रॉप रोटेशन वो चीज़ है द प्रैक्टिस इन व्हिच डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, लेगुमिनस क्रॉप्स एंड नॉन लेगुमिनस क्रॉप्स आर ग्रोन अल्टरनेटली इन द सेम फील्ड्स और सॉइल इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। जैसे कि हम सबको पता है कि हम जो लगाते हैं उसमें लेगुमिनस लगाते हैं, उसके बाद नॉन लेगुमिनस लगाते हैं, इसका मतलब है व्हीट, मेज, वेडी, ये सब लगाएंगे, लगाने के बाद उसके बाद पीस, बीन्स, ग्राउंडनट, ये सब लगाते हैं। तो लेगुमिनस में क्या होता है, उसकी उसकी रूट्स में नोडल्स होता है और जो रेजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। सो द रेजोबियम बैक्टीरिया कैन एबल टू फिक्स नाइट्रोजन और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू द सॉइल, सॉइल में फिक्स करने वाला फिक्स कर पाता है उसको। तो क्रॉप रोटेशन क्या होता है, जो जो पिछले जो क्रॉप्स जो उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स उसमें कम हो जाता है उसको फिर से वो प्रोसेस से वो क्या हो जाता है, भर जाएगा। क्रॉप रोटेशन से क्या होता है, हमारा जो भी न्यूट्रिएंट उसमें कम हो गया था, नहीं तो जो भी उसमें माइनस हो गया था वो फिर से भर जाते, खास करके नाइट्रोजन्स। ओके, सो ओके, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू नो अबाउट इरिगेशन। सो एक्चुअली इरिगेशन क्या चीज, व्हाट द इरिगेशन इज, इरिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट्स इज कॉल्ड इरिगेशन। जैसे कि हम सबको पता है कि प्लांट्स नीड्स वाटर, प्लांट्स को पानी चाहिए, अगर पानी नहीं होगा तो वो इट कैन डाई अल्टीमेटली, तो पानी उसको चाहिए, तो पानी सप्लाई कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर हम किसी क्रॉप को लगाते हैं तो उसमें उसका भी व्यवस्था करेंगे, वो भी सिस्टम रखेंगे जो कि पानी सप्लाई होगा, और ये वाला सिस्टम को हम बोलते हैं इरिगेशन। अगेन इरिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स प्लांट्स इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन इरिगेशन हमको इसलिए चाहिए, और इरिगेशन कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, वो क्या है, नेचर ऑफ क्रॉप्स, नेचर ऑफ द सॉइल एंड सीजन, सीजन ऑफ द सॉइल। जैसे कि वो कौन सा वाला क्रॉप्स है और उसका सॉइल का नेचर क्या है और कौन सा वाला सीजन में ये हम उसको लगा रहे हैं, ये सब तीन चीज़ को फैक्टर बना के हम इरिगेशन करेंगे। जैसे कि अगर हम क्रॉप्स अगर चावल लगाते हैं तो उसमें हमको ज़्यादा पानी चाहिए तो इसमें हम ज़्यादा इरिगेशन करेंगे, अगर गेहूँ लगाते हैं तो इट नीड लेस अमाउंट ऑफ वाटर सो इसमें हम कम पानी को यूज़ करेंगे। और सीजन में अगर हम देखेंगे तो अगर हम विंटर में अगर हम रेन सीजन में कुछ लगाते हैं तो उसमें हमको पानी कम देना पड़ेगा, एंड अगर हम उसमें समर में कुछ लगाते हैं तो उसके उसमें हमको ज़्यादा पानी देना पड़ेगा। सो ऑल दिस फैक्टर्स अफेक्टिंग इरिगेशन, ये सब फैक्टर्स इरिगेशन को अफेक्ट करता है, ठीक है। और कुछ मेथड्स है जो कि गांव में पहले ज़माने में आज तक स्टिल पीपल्स आर यूजिंग दिस मेथड्स इन विलेज और गांव में अब भी यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। और इसमें क्या क्या है, इसमें है मॉट, जिसमें पुली सिस्टम, पुली सिस्टम से पानी को खींचा जाता है। एंड सेकेंड इज चेन पम्प, चेन पम्प्स में चेन होता है, उसमें पम्प होता है उसमें, और बॉकेट सब लगा रहता है उसमें, और बॉकेट चेन में वो रोटेशन होके एक के बाद एक बॉकेट में पानी आ जाता है, इस कॉल्ड चेन पम्प। उसके बाद ढेकली, ढेकली जो है ढेकली
आप भी गांव में लोग इसको यूज़ करते हैं, पानी को ट्रेडिशनली मेथड में उसको इरिगेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, सो उसके बाद हम देखते हैं लीवर सिस्टम। लीवर सिस्टम में भी उसमें बहुत सारा बॉकेट जैसा बॉकेट लगा रहता है उसको, एंड उसमें कोई गाय नहीं तो भैंस उसको रोटेटिंग करता रहता है। बाय दिस प्रोसेस वो गांव के लोग उसको भी इरिगेट करते रहते हैं। ऑल दिस प्रोसेस वी कॉल ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अब हम देख रहे हैं उसमें और क्या चीज़ें। सो देर आर मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरीगेशन ऑल्सो। मॉडर्न मेथड में भी इसमें हम यूज़ करते हैं इरीगेशन के लिए। इसमें क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम एक है, इसमें स्प्रिंकलर सिस्टम और जिसमें कि पानी स्प्रिंकलिंग होता है। आजकल हम अगर जाएंगे बड़े बड़े पार्क्स में जाएंगे, नहीं तो इरीगेशन प्लांट्स में जाएंगे, बड़े बड़े क्रॉप प्रोडक्शन प्लांट्स में जाएंगे, तो जो मॉडर्न मेथड में ये होता है तुम्हारा स्प्रिंकलर सिस्टम, देखेंगे कि बीच बीच में पानी घूमता रहता है स्प्रिंकलर से। दिस इज कॉल्ड योर स्प्रिंकलर सिस्टम्स। एंड ये जो हम फोटो देख रहे हैं, ये सब ट्रेडिशनल, ऊपर में जो फोटो देख रहे हैं, ये सब ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरीगेशन है। एंड नीचे जो हम देख रहे हैं, पहला जो है दिस कॉल्ड स्प्रिंकलर सिस्टम्स, और एक जो है ये साइड में जो देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स ये सब बहुत मॉडर्न सिस्टम्स है, जिसमें पानी का एक एक बूंद को हम यूज़ करते हैं। जहाँ पर पानी बहुत कम मिलता है, खास करके उस जगह में हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम करते हैं। और ये सब दो स्प्रिंकलर सिस्टम्स एंड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स आर द मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ओके, सो नाउ रिमूवल ऑफ वीड्स। उसके बाद हमको कौन सा वाला स्टेप फॉलो करना है, रिमूवल ऑफ वीड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीड्स, वीड्स का मीनिंग क्या है, वीड्स का मतलब क्या चीज़ है, वीड्स का मतलब क्या है, द अनवांटेड प्लांट्स और वाइल्ड प्लांट्स व्हिच ग्रो अलोंग विद द क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड्स। हमको सबको पता है कि जब हम कुछ लगाते हैं, कुछ फसल लगाते हैं, हम सबको पता है कि उसके साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी उसके साथ ग्रो हो जाता है जो कि हमको नहीं चाहिए। एंड ये सब प्लांट्स को हमको ठीक टाइम में उसको हमको रिमूवल भी कर देना है, उसको रिमूव कर देना है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिमूवल ऑफ वीड्स। वो जो जिस जो जिसको हम जो जो प्लांट्स हमको नहीं चाहिए उसको हम अनवांटेड प्लांट्स को ही हम बोलते हैं वीड्स। ओके, सो ये सब कैसे होता है, वी कैन डू इट बाई आवर हैंड्स। हम इसको हैंड से भी कर पाते हैं। एंड सेकेंडली एक ट्रोवेल जिसको हम खुरपा बोलते हैं उसको भी हम करते हैं, जो कि सब लोग करते हैं इसमें खुरपा से। एंड और एक सिस्टम है केमिकली जिसको हम बोलते हैं वीडिसाइड्स। वीडिसाइड लगा के, वीडिसाइड डाल के भी हम उसको रिमूव कर पाएंगे। तो व्हाट आर दिस वीडिसाइड्स, इसमें हम देखते हैं MCPA। ये जो MCPA है ये एक वीडिसाइड्स है। एंड MCPA है, ये MCPA एक वीडिसाइड्स है। और ये है ब्यूटाक्लोर। ब्यूटाक्लोर जो नीचे हम देख रहे हैं ये ब्यूटाक्लोर है, जिसको हम डाल के अगर हम इसको डाल देंगे तो इसमें क्या होगा, जो अनवांटेड प्लांट्स जैसे कि वीड्स मर जाते हैं और ये प्लांट्स जो कि हमको क्रॉप्स का कुछ नहीं हानि नहीं करता है, सिर्फ हमारा वीड्स को मार देता है, जिसको हम बोलते हैं वीडिसाइड्स। ओके, उसके बाद हम देखेंगे हार्वेस्टिंग। द फोर्सेस इज द प्रोसेस हार्वेस्टिंग क्या चीज़ है, द कॉटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मेच्योर फूड्स क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हाँ, जो हम फसल लगा दिया उसको हम कटिंग करने के बाद, काटने के बाद जो उसको हम गैदर करेंगे, उसको जो हम कलेक्शन करेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेज है, जिसके लिए हमने सब चीज़ बनाना शुरू किया था, उसको बोलते हैं हम हार्वेस्टिंग। जो हार्वेस्टिंग या हार्वेस्टिंग उसको हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। सो हार्वेस्टिंग द प्रोसेस ऑफ
beating out of grains from the harvested crops plants is called threshing. अब इसको ने इसको लेके हम इसको क्या पीटते हैं, तो किसी किसी चीज़ के ऊपर पीटते हैं तो वो क्या होता है, इसको हम बोलते हैं threshing. थ्रेसिंग तो क्या होता है, तो ये जो ग्रेन, जो फूड ग्रेन होता है वो अलग हो जाता है उसमें से, इट इज कॉल्ड थ्रेसिंग. एंड बहुत बड़े बड़े मशीन आजकल आ गया है जिसमें ये सब चीज़ कंबाइनली होता है, सब काम एक साथ हो जाता है, एंड उसको हम बोलते हैं जैसे कंबाइन, इसको हम बोलते हैं कंबाइन. इस कंबाइन मशीन में क्या होता है, स्टार्टिंग से एंडिंग जितना भी काम है सब काम एक ही ये मशीन उसको कर देता है, स्टार्टिंग क्रॉप्स को पूरा काट के उसको उसको पूरा ग्रेन में कन्वर्ट कर देता है, तो इसको हम बोलते हैं कंबाइंस. इन ऊपर में जो हम देख रहे हैं इससे ट्रेडिशनल हार्वेस्टिंग मेथड, ऊपर में जो सिकल लेके एक आदमी उसको काट रहा है, दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड. नीचे हम देख रहे हैं दिस इज ए पिक्चर ऑफ कंबाइन, इस कंबाइन मशीन का एक फोटो है उसमें. ओके नेक्स्ट, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन. स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन, अब जितना भी ये फसल है उसको हमको संभाल के उसको रखना है, उसको हमको ठीक से रखना है फॉर द फ्यूचर यूज. फ्यूचर यूज करने के लिए हमको ठीक से रखना है, इसलिए ये सब करने के बाद स्टोरेज भी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इसमें स्टोरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम इसको ठीक तरह से स्टोरेज नहीं कर पाएंगे तो जितना भी हमने काम किया था, जितना भी एफोर्ड किया था, सब क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा. सो ये दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट स्टेप, जैसे कि हमको इसको अच्छी तरह से स्टोरेज कर रखना है. और ये फूड ग्रेन को हम क्या करते हैं, सुखाते हैं बाहर में, जो भी वाटर होता है उसमें उसको उसका हम उसमें से निकाल देते हैं धूप में सुखा के. और ये क्या है, हमारे जो इंडिया में फूड कॉरपोरेशन इंडिया ये एक एजेंसी है जो कि ऑलरेडी उनका काम ये काम है कि वो फूड को वो स्टोरेज करके रखेंगे. ये नाम रिपीटिंग FCI इज फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. ओके सो द लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स लाइक व्हीट एंड राइस इज डन इन टू वे. और इसको हम जो स्टोरेज करके रखते हैं इसको दो प्रकार में स्टोरेज करके रखते हैं. पहले तो गोनी बैग्स में, जैसे हम सबको पता है गोनी बैग्स में इसको रखते हैं. सेकेंड इन ग्रेन सिलोस, ग्रेन सिलोस में भी रखते हैं इसको. अब ये क्या चीज़ है, सब जो हम देख रहे हैं फोटो में FCI जो है, FCI का जो गोदाम है उसमें देखिए जो गोनी बैग्स में रखा गया है. एंड ग्रेन सिलोस क्या है उसमें, इसमें द ट्रेडिशन ऑफ द गोनी बैग्स मेथड इज methods of storing food grains. The grain silos are also used for the storing food grains on the large scale. इसमें क्या होता है, बड़े बड़े मेटल का डब्बा होता है उसमें जहाँ पर हम इसको स्टोर करके रखते हैं. दिस इज मॉडर्न सिस्टम्स. ओके देन सो अब हम देखेंगे जो खाना जो है सिर्फ हम क्रॉप्स से ही नहीं मिल रहे हैं हमको, हम खाना को एनिमल से भी हम इसको पाते हैं, एनिमल से भी इसको पाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स. और जिसके जिसके ऊपर भी हम टोटल डिपेंड हैं. सो नॉट ओनली वी आर डिपेंड अपन क्रॉप्स, वी आल्सो डिपेंड अपन एनिमल्स फॉर आवर फूड. तो इसमें क्या क्या है, एनिमल हस्बेंड्री जो कि हमको मिल रहा है, बहुत सारा चीज़ मिलता है जहाँ से खाने के लिए चीज़ मिलता है. ये क्या चीज़ है, व्हाट इज़ दिस. सो the branch of agriculture which deals with the feeding, shelter, health and breeding of domestic animals is called animal husbandry. ये जो department है, जो branch है जिसमें हम खाना उसमें shelter रहने के लिए उसको उनका health, breeding, उनका reproduction के लिए सब चीज़ जो animals का, इसके department में इसके बारे में जो 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 branch जो है उसको हम बोलते हैं animal husbandry. और इसमें इसमें ये सब जो है ये सब डायरी फार्म्स में सब डायरी फार्म से हमको ये सब जो खाना मिलता है, जैसे कि हम अगर देखेंगे कि
इसमें हमको मिल रहा है फिश मिलता है, हमको इसमें से मीट मिलता है, इसमें से एग मिलता है, हमको से मिल्क मिलता है एंड फिश मिलता है। सो ये सब चीज़ हमारा जो एनिमल फूड है यहाँ से हमको एनिमल हस्बेंड्री से मिलता है उसमें। और एक चीज़ हम देखें तो फिश एज फूड, खाना हम फिश से, फिश को हम खाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हम देखें कि इसमें फूड में क्या है, फिश इज रिच इन प्रोटीन्स एंड हाई इन न्यूट्रिएंट्स, फिश लीवर ऑयल इज रिच इन विटामिन ए एंड विटामिन बी, ये बहुत प्रोटीन्स होता है, हाईली न्यूट्रिशस होता है। फिश लीवर का जो तेल होता है ये विटामिन ए एंड विटामिन बी से भी बहुत होता है उसमें, एंड उसको हम खाने के लिए हम यूज़ करते हैं। सो ऑल दिस आर द फूड्स फ्रॉम एनिमल्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।